हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सीरीज का थर्ड वीडियो है और इस वीडियो हम सीखेंगे कि डिफॉल्ट एसीएल कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं रेडेट लिनक्स 7 में। सबसे पहले डायरेक्टरी टर्मिनल ओपन कीजिए और उसमें मैं डायरेक्टरी मूव करता हूँ /etc/mysolutions और उसके अंदर माई एसीएल और यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ इस प्रैक्टिकल के लिए /xyz। ठीक, तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है xyz और इस xyz डायरेक्टरी पर हम डिफॉल्ट acl कॉन्फ़िगर करेंगे। डिफॉल्ट acl केवल डायरेक्टरी पर इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि एक्सेस acl और डिफॉल्ट acl में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब मैं डिफॉल्ट acl कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ xyz डायरेक्टरी पर। ठीक है, डिफॉल्ट acl का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं xyz डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट acl कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, जैसे मैं यूजर वन के लिए डिफॉल्ट acl कॉन्फ़िगर करता हूँ xyz पर और उस यूजर वन को मैं फुल परमिशन असाइन कर देता हूँ xyz डायरेक्टरी पर रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि xyz के अंदर जितनी न्यू डायरेक्टरी क्रिएट होगी, ठीक है, उन सभी डायरेक्टरी पर यूजर वन को रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन हो जाएगी। ठीक है, ये डिफॉल्ट परमिशन होती है। तो सबसे पहले हम xyz डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट परमिशन असाइन कर देते हैं, set fcl -m और डिफॉल्ट परमिशन सेट करने के लिए आपको रूल से पहले डी कॉलन यूज करना है। ठीक है, डी कॉलन और उसके बाद जो भी रूल आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मैं एक यूजर पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक यूजर के लिए डिफॉल्ट acl कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ xyz डायरेक्टरी पर, फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर वन के लिए क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यूजर वन के लिए क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर यू कॉलन यूजर वन। यहाँ पर आप यूजर वन की यूआईडी भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बाद जो भी परमिशन आप असाइन करना चाहते हैं यूजर वन को इस डायरेक्टरी पर। ठीक है, xyz, तो ये देख लीजिए यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पर देख लीजिए प्लस सिंबल एड हो चुका है, मतलब इस पे acl कॉन्फिगर हो चुकी है xyz डायरेक्टरी पर। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं get fa cl xyz। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर डिफॉल्ट acl यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। ठीक है, और यूजर वन को यहाँ पर रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन हो चुकी है। ठीक है, अब आप न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करके देखिए mkdir। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं, जैसे एबीसी पर एक्सेस acl कॉन्फ़िगर है। ठीक है, get fa cl एबीसी और xyz। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कि ये एक्सेस acl अगर कॉन्फ़िगर होगी तो इस तरह इसका आउटपुट आएगा इस कमांड का, अगर डिफॉल्ट acl कॉन्फ़िगर होगी तो इस तरह उसका आउटपुट डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एबीसी पर डायरेक्टरी पर एक्सेस acl कॉन्फ़िगर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एबीसी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ a1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a1 पर अभी कोई भी acl कॉन्फ़िगर नहीं है। ठीक है, कोई भी डिफॉल्ट acl यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, और चेक कर लीजिए get fa cl a1। ठीक है, यहाँ पर देखिए एबीसी A1 हमने क्रिएट किया एबीसी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर डिफॉल्ट acl यहाँ पर अप्लाई इंप्लीमेंट नहीं है। ठीक है, अब मैं xyz के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ a1 या a2 क्रिएट करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर xyz पर हमने डिफॉल्ट acl कॉन्फ़िगर किया था। ठीक है, तो वही acl a2 पर भी अप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर a2 जैसे हमने डायरेक्टरी क्रिएट की तो उस पर ऑलरेडी एक डिफॉल्ट acl कॉन्फ़िगर हो चुका है प्लस, तो ये प्लस सिंबल बता रहा है कि a2 डायरेक्टरी पर acl कॉन्फ़िगर हो चुका है जबकि हमने इसे अभी क्रिएट किया है। ठीक है, और इस पर जो acl कॉन्फ़िगर है वो आप चेक कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर यूजर वन को रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन हो चुकी है जो हमने xyz पर असाइन की थी। ठीक है, जो हमने जब डिफॉल्ट acl कॉन्फ़िगर किया था xyz पर यूजर वन के लिए वही
ACL इस पे भी अप्लाई हो रहा है A2 पर, ठीक है। अब मैं ऑल अदर यूजर्स के लिए डिफॉल्ट ACL कॉन्फ़िगर करता हूं, ठीक है। देखिए यहां पर अभी A2 पर अदर यूजर्स के लिए जो परमिशन है वो क्या है, रीड एंड एग्जीक्यूट किए, ठीक है। और अभी हमने ऑल अदर यूजर्स के लिए डिफॉल्ट ACL कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ठीक है। तो अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं, सेट एफ ACL स्पेस हाइफ़न d कॉलन o कॉलन कॉलन r w x, और उसके बाद पहले हम डायरेक्टरी से बाहर निकल जाते हैं, cd डॉट डॉट और ls हाइफ़न l, और उसके बाद सेट एफ वाई एफ ACL स्पेस हाइफ़न m और d डिफॉल्ट हम ACL कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर d कॉलन यूज करना होगा, और उसके बाद अदर यूजर्स पर हम ये डिफॉल्ट ACL अदर यूजर्स के लिए कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं इसलिए यहाँ पर o कॉलन कॉलन, उसके बाद जो भी परमिशन आप असाइन करना चाहते हैं वो आपको टाइप करनी है, और उसके बाद उस डायरेक्टरी का नेम, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है ACL कॉन्फ़िगर हो चुकी है एक्स वाई जेड पर डिफॉल्ट ACL ऑल अदर यूजर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑल अदर्स यूजर्स के लिए डिफॉल्ट ACL कॉन्फ़िगर हो चुका है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। यानी जब भी कोई नई डायरेक्टरी क्रिएट होगी एक्स वाई जेड डायरेक्टरी के अंदर तो उस पर ऑल अदर यूजर्स को रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन होगी, ठीक है। एक्स वाई जेड तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दीजिए A3, ठीक है, एल एस एफ एन एल, ठीक है। अब चेक कर लीजिए गेट एफ वाई सॉरी एफ ACL स्पेस A3, तो देख लीजिए यहाँ पर ऑल अदर यूजर्स को डिफॉल्ट परमिशन असाइन हो चुकी है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। उसी तरह आप A2 पे चेक कर लीजिए तो डिफॉल्ट परमिशन यहाँ पर अदर यूजर्स को असाइन हो रही है रीड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि A2 को हमने पहले ही क्रिएट कर दिया था, ऑल अदर यूजर्स के लिए डिफॉल्ट ACL कॉन्फ़िगर करने से पहले ही A2 क्रिएटेड था, ठीक है। ऑल अदर यूजर्स के डिफॉल्ट ACL कॉन्फ़िगर करने के बाद में हमने A3 को क्रिएट किया था, ठीक है। इसलिए यहां पर ऑल A3 पर ऑल अदर यूजर्स को परमिशन असाइन है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इस वीडियो हमने सीखा कि डिफॉल्ट ACL कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।